अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। किसान बंधु, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधु, गर्मी का मौसम चल रहा है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, आपकी गाय भैंस का दिन प्रतिदिन दूध कम हो रहा है, आपकी गाय भैंस हाँफ रही है, हाँफने के चलते मुँह से लार आ रहा है, खाना पीना कम खा रही है, हमेशा सुस्त टाइप की रहती है, पशुपालक भाई आपका इस बीमारी के विषय में आपको घरेलू दवाई बताऊंगा, वो भी एकदम घर पे आपके है बिना पैसा के दवाई बताऊंगा। किसान बंधु, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि आप लोग अच्छा चारा दाना देते हैं, अच्छा खाना दाना देते हैं, लेकिन तब पर भी आपकी पशु हमेशा हाँफती रहती है, जीभ निकाल कर हाँफने लगती है, मुँह से फेन आने लगता है, गाय जाने लगता है, कभी कभी लू के थपेड़ लगने से आपके गाय भैंस का पतला पैखाना होने लगता है, पैखाना महकने लगता है। किसान बंधु, एक ऐसा दवाई बताऊंगा, जड़ी बूटी वाला दवाई बताऊंगा, घरेलू दवाई बताऊंगा, बिना पैसा का दवाई है। किसान बंधु, आपको बताता हूँ वो कौन सा दवाई है, कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा पशुपालक भाई, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या दवाई बता रहा हूँ। किसान बंधु, आपके अगल बगल घर घर खरिहान में कहीं भी शीशम का पेड़ मिल जाएगा। शीशम का पेड़ हर जगह उपलब्ध है, हर शहर हर देहात में हर गाँव में उपलब्ध है। शीशम का पेड़ से आपको पत्ती, कोमल जो पत्ती होती है पेड़ का, आधा केजी पत्ती ले लेना है। आधा केजी पत्ती को लेने के बाद में क्या करना है पशुपालक भाई, माटी का बर्तन होता है, जो नया माटी का बर्तन ले लेना है। नया माटी के बर्तन में शीशम का पत्ती आधा केजी जो लिए हैं उसको डाल देना है, उसमें पानी डाल देना है। पानी डाल दीजिएगा पशुपालक, जैसे आधा किलो शीशम का पत्ती ले लिए तो उसमें 1 केजी ठंडा पानी डाल दीजिएगा, उसको बाहर छत पर रात भर छोड़ दीजिएगा। सुबह क्या कीजिएगा पशुपालक भाई, उसी में जो बर्तन है उसी में हाथ लाकर पूरा मलिएगा, पूरा जब मलिएगा तो शीशम का पत्ती एकदम लबाब टाइप का हो जाएगा, एकदम लासा टाइप का, लार टाइप का आने लगा, उसमें पूरा मल दीजिएगा, जो बड़ा बड़ा खुजा पत्ती का बच जाएगा उसको छान कर बीच दीजिएगा। उसमें 100 से 150 ग्राम, मात्र 100 नहीं तो 150 ग्राम चीनी, खाने वाला चीनी मिला देना है, थोड़ा सा जीरा मिला देना है, करीब 15 से 20 ग्राम जीरा हल्का पीस करके बारीक उसमें मिला देना है। भून दीजिएगा जीरा को तो और अच्छा होगा, 10 से 15 ग्राम जीरा को भून दीजिएगा या कच्चा भी पीस करके उसमें मिला दीजिएगा। ये खुराक दवाई बता रहे हैं पशुपालक भाई, इससे आपका डायरिया भी ठीक हो जाएगा, लू जो लगा है लू का भी तपेड़ा ठीक हो जाए, दूध जो कम हुआ है वो दूध भी बढ़ जाएगा, पशु चारा दाना कम खा रहे वो भी हो जाए खाने लगेगी, सारा बीमारी जितना गर्मी का मौसम का बीमारी होता है सारा बीमारी का एक ही दवाई है, शीशम का पत्ती। शीशम का पत्ती आपको दीजिए, अगर इस तरह शीशम पत्ती आपकी गाय भैंस खा रही है तो फायदा नहीं करेगा। आप उसको पानी में भेज देते हैं, देकर रात भर बाहर रख दीजिएगा धूप शीत में बाहर छत पे, तो तब वो काम करेगा। और ना बर्तन चाहिए माटी का, इस बात को ध्यान रखना है पशुपालक भाई, माटी का बर्तन ले लीजिएगा, उसी में शीशम का पत्ती डाल के पानी डाल दीजिएगा और दीजिए इस तरह 5 रोज केवल देना है। हमेशा दे सकते हैं, घर गर्मी दीजिए, सारा गर्मी दीजिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपका दूध भी बहुत जाएगा, थन भी बढ़ेगा, डायरिया हो रहा है पतला पैखाना वो भी बंद हो जाएगा, हाँफ रही वो भी बंद हो जाएगा। अब हर गर्मी आप इसका यूज कीजिए पशुपालक भाई, अगले बार फिर आऊँगा किसी जड़ी बूटी या अंग्रेजी जो भी हमारे दिमाग में आएगा दवाई बताता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।